किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आइसर 551 के बारे में। और भाई, इस ट्रैक्टर को सबसे, मतलब आप कह सकते हो, ऑल राउंडर ट्रैक्टर है। 50 HP में यूज कर लीजिए आप, 45 HP में यूज कर लीजिए, 55 HP की ताकत निकलवा लीजिए आप इससे। ये ट्रैक्टर ऑल राउंडर इसीलिए कहता हूँ क्योंकि कम डीजल और ज़्यादा ताकत सिर्फ आइसर 551 ही दे सकता है। क्योंकि सबसे कम डीजल, आपको जान, सभी आइसर जो है कम डीजल के लिए जाना जाता है। अगर मैं फ्रंट टायर्स की बात कर लूँ तो आपको 750-16 के MRF के टायर्स मिलने वाले हैं। अगर पिछले टायर्स की मैं बात करूँ तो आपको 1428 के MRF के ही टायर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको माइको बॉश इनलाइन पंप मिलता है, जो कि 50 HP की ताकत के लिए पूरा आपको, अगर मैं इंजन की तरफ बात कर लूँ तो आपको पूरा 50 HP का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलने वाला है। साथ में ही आपको सिंगल हेड वाला हेड मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात होती है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे रेडिएटर की, तो श्रेणी के हिसाब से बहुत बड़ा रेडिएटर आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। साथ में ही मेटल फैन दिया गया है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा होने वाली है आपके रेडिएटर के। और अगर रेडिएटर की एक और बात कर लूँ खासियत, तो आपको फ्रंट में एक जाली दे दी जाती है। अगर रेपर वगैरह में आपको चलाना है ट्रैक्टर को, तो आपको ट्रैक्टर की शो नहीं उतारनी पड़ेगी, सिर्फ आपको ट्रैक्टर को सीधा फंसाना है रेपर में। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ एयर फिल्टर की, तो आपको यहाँ पे 50 आवर्स की ऑयल चेंज वाली, ऑयल 3-स्टेज बाथ वाला, ऑयल बाथ वाला एयर फिल्टर मिलने वाला है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे अगर इन पंप की, तो आपको माइको बॉश का इनलाइन पंप मिलेगा। और इस तरफ आपको डुअल डीजल फिल्टर्स, वाटर सेपरेटर, साथ में आपको इंजन ऑयल फिल्टर भी मिलने वाला है। अगर मैं पावर स्टीयरिंग की बात करूँ, तो डुअल साइड एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। और जो फ्रंट का जो हिस्सा है, फ्रंट एक्सल जो है, पूरा सॉलिड हिस्सा मिलेगा आपको। और बंपर की अगर बात करूँ, तो लगभग 1 से 1.5 क्विंटल का आपको यहाँ पर बंपर मिलने वाला है। ये देखिए, बंपर जो है बेहतरीन बनाया है ट्रैक्टर में, थोड़ी सी हाइट से हल्का सा डाउन करके रखा जाता है, ताकि जो ट्रैक्टर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कम से कम और सेंटर में ही रहे। और उससे क्या होता है कि ट्रैक्टर की जो फ्रंट लिफ्टिंग है, उसकी समस्या आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है ट्रैक्टर में। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, आपको डुअल पंप दिए जाते हैं, जिसमें एक पावर स्टीयरिंग का और एक मिलेगा आपको आपके लिफ्ट का पंप। यहाँ पे अगर आप देख लें तो इंजन का आइसर का ही इंजन मिलने वाला है इसमें। ट्रैम 3 का इंजन मिलेगा, 320D49 आपको इंजन का मॉडल है इसका। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे अल्टीनेटर की, तो 12 बोल्ट का बड़ा अल्टीनेटर मिलने वाला है, जो कि ट्रैक्टर की जो जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनको परफेक्ट तरीके से आपके बिजली का प्रदान करता रहता है। अगर मैं सेल्फ स्टार्टर मोटर की बात कर लूँ, तो काफ़ी छोटी सेल्फ स्टार्टर मोटर यहाँ प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि सुविधा ये होती है कि आपकी जो ट्रैक्टर की स्टार्टिंग है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। साथ में आपकी जो बैटरी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पे बैटरी के ऊपर देख लूँ, तो आपको यहाँ पे एक ग्लॉसी फिनिश का आइसर का एक मैट मिल जाता है, जिससे कि आपके बैटरी बॉक्स की सेफ्टी सुनिश्चित हो जाती है। और अगर बात कर लें यहाँ पे आपके क्लच और ब्रेक पैडल्स की, तो अप टू डाउन क्लच और ब्रेक पैडल मिलेंगे। साथ में आइसर में एक काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि रेस जो है आपको मतलब बाहर रहती थी बहुत ज़्यादा, एक अलग ही तरीके से बनाते थे। अब इसमें सुधार किया गया है आइसर में। ये देखिए आप यहाँ पे आइसर का जो पैडल है थोड़ा सा अंदर कर दिया गया है, ताकि जो पोजीशन है वो बढ़िया रह सके। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, आपको रबराइज्ड ब्रांडिंग मिलेगी 551 की, 5-स्टार की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साथ में साइलेंसर जो है आपको, वही डिसेंट साइलेंसर जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं स्टिकरिंग और ट्रैक्टर की पेंट क्वालिटी की बात कर लूँ, तो बेहतरीन पेंट क्वालिटी जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ में आइसर का जो लोगो है वो ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर मैं हेडलाइट्स की बात कर लूँ, तो आपको हेलोजन सेटअप मिलने वाला है यहाँ पे। और साथ में ही हेलोजन सेटअप के साथ आपको फ्रंट में जो लोगो है वो पूरा क्रोम का ही लोगो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं बात कर लूँ ऊपर ट्रैक्टर के एर्गोनॉमिक्स की, तो अब हम चलते हैं थोड़ा ट्रैक्टर के ऊपर और देखते हैं क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस और ट्रैक्टर में क्या क्या सुविधाएं हमको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऊपर जाने के लिए भाई सिंगल स्टेप है, और जो पैदान है वो पायदान भाई बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। पहले सिर्फ इतना आता था दूसरे आइसर के ट्रैक्टर्स में, बट इसमें आपको थोड़ा बड़ा पायदान मिलता है, ताकि आप कम्फर्टेबली बैठ सको।
और पैर वगैरह को आपको फैलाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फ्रंट में यहाँ पे आपको स्टॉप स्विच मिल जाता है, क्लच ब्रेक पैडल डुअल क्लच मिलेंगे आपको इसमें, मतलब एक क्लच आपका पीटीओ का भी यही क्लच होगा और साथ में ही आपका गियर बॉक्स का क्लच भी यही होगा। अगर मैं यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स की बात कर लूँ तो काफ़ी बड़ा डेक दिया गया है, सिस्टम जो है इसका बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ मेन गियर लीवर में आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलता है, और अगर रेंज गियर लीवर की बात कर लूँ तो आपको हाई और लो 2 ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे अगर देख लूँ कि आपका मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, साथ में ही आपको सिर्फ केबल लगाने की प्रॉब्लम होती है बस यही, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है और लगभग वाटर प्रूफ ही है ये सिस्टम। और अगर सीट की बात कर लूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल और कुशनड अच्छी सीट दी गई है, तो आपको बैठने में किसी भी तरीके के लंबे घंटों तक आपको काम करना है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे स्टेयरिंग की तो काफ़ी छोटा स्टेयरिंग दिया गया है, और जो आपका नॉब है वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, बाहर से लगवाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये देखिए आपको अगर मीटर की बात कर लूँ तो 591 हाफ़ एनालॉग और हाफ़ आपका डिजिटल मीटर मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपका पूरा डिजिटल सिस्टम मिलने वाला है, आरपीएम वगैरह टाइम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी जो फ्यूल का बैटरी ऑयल प्रेशर वगैरह और ट्रैक्टर का टेम्परेचर वगैरह वो सब आपको एनालॉग में प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ टॉगल स्विचिंग टाइप की यहाँ पर मीटर्स दिए हुए हैं ताकि आपके हज़ार्ड वगैरह लाइट इंडिकेटर की इंडिकेशंस आपको मीटर पर मिल जाते हैं। इस तरफ आपकी मीटर की जो है, इस तरफ आपकी जो है हैंड वाली रेस मिल जाती है, साथ में आपको एक बड़ा ग्लास दिया होता है ताकि आप पीछे का जो दृश्य है वो आसानी से देख सकें। साथ में अगर मैं बैठने की अगर बात कर लूँ तो काफ़ी कंफर्टेबली किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे बैठने में, और आसानी से मैं बैठ सकता हूँ और सभी चीज़ें मेरे रीच में हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं भी ज़बरदस्ती झुक के या किसी भी चीज़ में ये चीज़ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिफ्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको पोजीशन लीवर, यहाँ पे आपका ड्राफ्ट लीवर दोनों चीज़ें हैं, साथ में ये डुअल SCV वॉल्व दिए हुए हैं, सिलेक्टिव कंट्रोल वॉल्व जिसका हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये आपके SCV दिए हुए हैं। अगर मैं PTO की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे गियर्स में PTO, साथ में 540 वाली आपको यहाँ पे PTO मिल जाती है। अब चलते हैं तो ट्रैक्टर के पीछे और देखते हैं क्या क्या है ट्रैक्टर के पीछे। तो दोस्तों अगर मैं पिछले हिस्से की बात कर लूँ तो आपको बुल पिनियन वाला यहाँ पे पिछला हिस्सा मिलता है और बहुत मजबूत होता है, और जो इस हिस्से की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो ये जो हिस्सा है भाई बहुत चुस्ती दिखाता है, मतलब ट्रॉली वर्क में आप काम करोगे या फिर जो मतलब ताकत वाले काम है जैसे कि आप सुहागा वगैरह चलाना है, हैरो चलाना है, इन सब चीज़ों में स्पीड में जो एक झटका मतलब एक जान जो ट्रैक्टर में देखने को मिलती है ना, जैसे कि आइसर का 557 और बाकी सभी मॉडल्स में भी आपको एक जान अलग से समझ में आएगी। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे PTO की तो आपको इसकी PTO की अगर बात कर लूँ तो 43 से 44 HP आपको यहाँ पे PTO मिलती है, लगभग आपके सभी उपकरण आसानी से चला सकती है। यहाँ पे अगर लिफ्ट सेंसिंग पॉइंट की अगर बात कर लूँ तो 3 पॉइंट लिफ्टिंग सेंसिंग मिल जाती है, और डुअल सिलेंडर की जो लिफ्टिंग जो है आपकी सेंसर जो है आपको डुअल सेंसर्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो डेफ्ट और ड्राफ्ट कंट्रोल की जो प्रिसीजन है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और साथ में अगर जैक्स की बात कर लूँ तो सिंगल साइड एडजस्टेबल जैक मिलेगा, साथ में अगर साइड जैक की बात कर लूँ तो आपको जैक मिलने वाले हैं, यहाँ पर चेन नहीं मिल रही है। बेहतरीन बात यह है कि जैक ही सबसे बेस्ट होते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे लाइट्स वगैरह की तो यहाँ पे आपको वर्किंग लाइट मिलती है, और काफ़ी बड़ी वर्किंग लाइट है तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकती है, और आपको जो इंडिकेटर और ब्रेक लाइट वगैरह है वो वही डिसेंट आपको लोग मिलने वाला है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए भाई हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जवान जय किसान।